करें जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अऊज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को खुश आमदीद नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट की जानिब से। आज हम आज फर्स्ट टाइम नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट एक कोलैबोरेशन करने जा रही है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से गौरव कुमार। गौरव कुमार एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं और आईटी इंजीनियर हैं और एक प्राइवेट कंपनी में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत होनहार और बहुत मेहनत करके माशाल्लाह अपने इस मकाम तक पहुंचे हैं ये। तो हमारा मकसद है नई सुबह के बारे में जितने भी लोग जानते हैं कि लोगों को एम्पावर करना, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, और उसमें जो हमने चीज़ें टारगेट की हैं उसमें खास तौर पे सेल्फ ग्रूमिंग है, कुकिंग है और इंडिपेंडेंट लिविंग। ये तीन चीज़ों को हम लेकर जो है वो चल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया जाए, अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो किसी के मोहताज ना बने और अपने बलबूते पे अपने घर वालों का सहारा बन सकें और माशरे में एक बेहतर मकाम हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी बअहसन तरीके से गुजार सकें। गौरव कुमार से हमारा ताल्लुक इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से है और एक बहुत होनहार स्टूडेंट रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और जब इनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है तो यहाँ पर भी। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। तो मैं गौरव कुमार से गुजारिश करूँगा कि गौरव कुमार आइए और अपनी जगह संभालिए। गौरव कुमार तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम वालेकुम तो शैल वी स्टार्ट विद द इंट्रो। सलाम यस श्योर स्टार्ट ठीक सो या तो आप लोग है एक एक करके आप लोग अपना इंटरव्यू दीजिए। सो इंट्रो दीजिए तो मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा आप लोगों के साथ कि हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने। तो या प्लीज गो अहेड गाइस। ओके मैं स्टार्ट कर देता हूँ गौरव। आई एम हम्माद बशीर शेख एंड आई एम सर्विंग नई सुबह ट्रस्ट फॉर पास्ट 1.5 ईयर एंड आई एम लुकिंग आफ्टर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड एसेट मैनेजमेंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। थैंक Awesome. यू। इंट्रोडक्शन आते रहे वन बाय वन तमाम साथी हमारे तमाम दोस्त। आई गेस वी आर लूजिंग योर नेटवर्क। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान शेख फ्रॉम कराची पाकिस्तान। हाय इमरान। आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। Awesome. जी मेरा नाम सलमान सुल्तान है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी और एक सोशल वर्कर हूँ। इसके अलावा नई सुबह में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मुख्तलिफ शोबों के अंदर। Awesome. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज आबदा ख्वाजा। आई एम वर्किंग हियर इन नई सुबह एज आई एल पी इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम एंड टू हमारे वेंचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि टाइम आउट इन अभी उनकी मैं उनको यहाँ पे मैं लीड कर रही हूँ। ठीक है, Awesome. थैंक यू। So ग्रीटिंग्स एवरीवन, एहसन इकबाल फ्रॉम हियर। नई सुबह से मैं एज एन ऑडियो एडिटर कनेक्ट हूँ और इसके अलावा मेल कुकिंग इंस्ट्रक्टर प्लस ग्रेजुएट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इस तरफ बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी हूँ। सो हैप्पी वाह, टू नाइस लर्न टू इट। नो। थैंक यू।
इट्स मी जवेरिया फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 6th सेमेस्टर। थैंक ऑसम awesome. यू। यस तो एनीवन एल्स देयर, कोई बच के आया क्या? सो ओके सो जैसा कि सलमान सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया दैट आई एम गौरव कुमार वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एक्सफ्लुएंस इनकॉर्पोरेटेड एंड आई हैव ओवर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एंड मैनी अदर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो आज का हमारा जो एजेंडा है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक हाउ अ ब्लाइंड हाउ अ पर्सन हु इज फेसिंग द इशू विद द विजन कैन बी अ डेवलपर, कैन बी एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, ताकि हम इस इंडस्ट्री में आके जो हम लोग अपनी डेली चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक छात्र हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट में आप PDF से पढ़ रहे होते हैं या आपको बुक्स जो हैं वो प्रिंट आउट करानी पड़ती हैं, तो वो बेसिक चीज़ों में भी हमें प्रॉब्लम एटलीस्ट वहाँ तक तो ना हो। तो हमारे कम्युनिटी से भी एटलीस्ट लाइक सम पीपल शुड बी देयर जो कि इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं या इन चीज़ों की नॉलेज रखते हो, ताकि क्योंकि कॉरपोरेट को चाहिए कि लाइक समबडी शुड नो कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 पॉइंट्स, दैट रोड मैप टू बी एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर एंड द अदर पॉइंट इज रोड मैप टू बी अ डेवलपर एज अ विजुअली इम्पेयर्ड। सो आर फर्स्ट पॉइंट इज टू डिस्कस अबाउट द एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। आप में से कोई जानता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्या है? एनी वन एल्स? कोई आंसर करना चाहेगा? शलई अस्सलाम वालेकुम, अच्छा, मेरा आप नाम लोगों में से इकबाल कोई अख्तर है। भी अगर आंसर करना चाह रहा है तो अपना हैंड रेस कर लें। जो यस हमारे यहाँ पर साइटेड हैं वो, और वैसे भी जो इसको लीड कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, तो काइंडली जो भी आंसर करना चाहे वो आंसर कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था जब सारे इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। मैं मोहम्मद शहबाज अख्तर, और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, जेएस बैंक में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और जहाँ तक ऑसम सवाल किया है गौरव ने, तो उसका जवाब ये है कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग वाले जो बात की है, तो मेरे ख्याल में तो यही है कि जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट अगर बनती है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितना एक्सेसिबल है वो टेस्ट करना आपका काम है। बट व्हाट डू यू फील अगर मैं पूछूं कि एक्सेसिबिलिटी क्या है? ये आप जब चला रहे हैं उसको, यानी कि किसी भी वेबसाइट को, कि आप मिसाल के तौर पर, दायरा मैं अगर विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो वो कितना सपोर्ट कर रहा है आपके स्क्रीन रीडर के साथ, कितना ओके okay. एक्सेसिबल है। कोई और जवाब देना चाहेगा? एनीवन एल्स? फाइन, तो इन्होंने जवाब तो एक्चुअली सही दिया है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्यूरेट टू द पॉइंट। हम जब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ इवन अ वेबसाइट, एक मोबाइल ऐप हो, या हम कोई सेटिंग्स की यूटिलिटी यूज़ कर रहे हो, या फिर हम डेली डेली चीज़ों में, फॉर एग्जांपल आप लॉक लगा रहे हो, अपने दरवाजे को लॉक कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ जो भी यूज़ कर रहे हो आप उस चीज़ को इजिली फ्रेंड इजिली कर पा रहे हो सर्व विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीवन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप लॉक लगाने जाते हैं, आपके ताले में जो वो छोटा सा हुक होता है उसमें आप चाबी नहीं अटका पाते हैं, बट आपने देखा होगा कुछ कुछ ताले होते हैं जिनका एक सेट होता है, आपने लॉक कर दिया तो वो एक पॉइंट पे रहेगा, वो घूम नहीं जाएगा। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इट्स क्वाइट टफ टू आइडेंटिफाई आई फील। सो एक्सेसिबिलिटी इज समथिंग दैट वी मेक द प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू सर्व बाय एनी वन, एंड देर आर फोर फोर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। चार तरीके के कॉन्सेप्ट है इसमें एक्सेसिबिलिटी में: परसीवेबल,
POUR, perceivable, operable, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट. परसीवेबल मीन्स हम उस चीज को परसीव कर सकें, ऑपरेबल मतलब हम उस चीजों को ऑपरेट कर सकें, अंडरस्टैंडेबल मीन्स हम उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें. अगर किसी की लैंग्वेज ही सही नहीं होगी तो पीपल हु आर हैविंग डिसेबिलिटी कॉल्ड कोगोनेटिव, सो वो चीजों को समझने में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. रोबस्ट जो चीजें हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू गिव द फंक्शनैलिटी. आज कुछ फंक्शनैलिटी दे रहा है, कल कुछ फंक्शनैलिटी दे रहा है, ठीक है. ये चार कॉन्सेप्ट्स एक्सेसिबिलिटी में बनाई गई हैं, तो ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं कमिंग थ्रू द WCAG. सी, एक्सेसिबिलिटी में गाइडलाइन है, जैसे हमारे कंट्रीज के या हमारे इंस्टीट्यूट्स के कुछ गाइडलाइंस या लॉज होते हैं, वैसे ही एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल WCAG, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 508. तो व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर, किसी को आइडिया है WCAG के बारे में? एनीवन नोज अबाउट इट कि ये गाइडलाइंस होती क्या है? ओके, सो WCAG इज नथिंग, जस्ट अ गाइडलाइन टू टेल द डेवलपर कि आप जो भी बना रहे हो उसमें आपको कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप जो इमेज डाल रहे हो अपने वेबसाइट पे लोगो के तरह, तो आपको वहां पे लिखना होगा कि वो लोगो है. आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी वेदर इट इज अ लिंक फॉर अ होम पेज या ये एक लोगो है या एक सिंपल ग्राफिक है. तो इट इज कमिंग अंडर सम सक्सेस क्राइटेरिया अंडर WCAG. तो WCAG के अंदर बहुत सारे सक्सेस क्राइटेरियाज हैं, सब पार्ट्स ऑफ इट. जैसे हमारे कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही हैं सक्सेस क्राइटेरिया. तो 1.1.1 इज सेइंग फॉर टेक्स्ट कंटेंट फॉर इमेजेस, नॉन टेक्स्ट कंटेंट फॉर इमेजेस, टेक्स्ट कंटेंट फॉर इमेजेस और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. वी हैव सम अदर क्राइटेरियाज एज वेल, एंड WCAG एंड ADA सेक्शन 508 बोथ आर सेम ओनली एट द चैप्टर, बट सबकी गाइडलाइंस रिटन थोड़े अलग तरीके से हैं. तो ये तो हो गया हमारे गाइडलाइन का. सो इफ यू वांट टू बी एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, दैट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है. हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देर आर लो विजन पीपल, देर आर सम पीपल हु हैव इशू विद द रीडिंग, सो दे वी कॉल देम लाइक कोग्निटिव डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, हु इज हैविंग सम ऑफ आर हैविंग सीजर. कुछ और आप बता सकते हैं कुछ आइडियाज? फिजिकली डिसेबल होते हैं और हियरिंग वाले. यस, सो फिजिकली डिसेबल्ड वी कॉल देम लोकोमोटिव डिसेबिलिटी. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अदर डिसेबल्ड पीपल हाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस विद एक्सेसिबिलिटी. सी, हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन रीडर, जॉज, NVDA टू अंडरस्टैंड एंड टेक द कंटेंट कि क्या बोल रहा है, सामने है क्या हमारे. बट पीपल हु डोंट हैव हैंड्स, ओके, सो उनके पास हाथ नहीं है तो क्या यूज करेंगे वो? वो तो लैपटॉप यूज नहीं कर सकते हैं. कुछ लोगों को यही समझ में आता है, मतलब मुझे भी पहले यही लगता था बिफोर रीडिंग, बट व्हेन आई अंडरस्टूड इट तो मुझे भी क्लियर हुआ कि एक्चुअली दे यूज माउथ स्टिक. तो क्या होता है माउथ स्टिक? एक छड़ी होती है और दे प्लेस इट लाइक अ पॉइंटर, जैसे हमारे माउस होते हैं, तो थ्रू दैट दे एक्चुअली यूज इट. एक होता है वन हैंडेड कीबोर्ड, सपोज किसी के वन आर्म नहीं है, किसी का वन हैंड नहीं है, इट गॉट समथिंग विद द एक्सीडेंट, तो वो लोग यूज करते हैं वन हैंडेड कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड जैसा ही है बट उसमें बटन्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं.
people who are feeling seizure, like who are having seizure disability. तो उसमें क्या होता है कि आप सडनली कोई चीज अगर करो, मतलब एकदम सडनली आपके सामने कोई चीज अपेयर हो जाए, तो यू गेट सीजर प्रॉब्लम. तो उनके लिए भी हमें एक्सेसिबल करना होता है. फॉर एग्जांपल, आपका वेबसाइट है, कोई लैंड हो रहा है वेबसाइट पे, और एकदम से सडनली कोई म्यूजिक चलना स्टार्ट हो गया, तो दे पीपल विल बी शॉक्ड. कभी कभी आपको भी हो जाता होगा अचानक से, कि मतलब एकदम से डर लग जाता होगा कि ये क्या चालू हो गया एकदम से. तो दैट इज कॉल्ड सीजर. तो वी हैव वेरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, लाइक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिनको थोड़ी रीडिंग में प्रॉब्लम है. तो आपने कभी कभी वेबसाइट्स पे देखा होगा साइड मैप. साइड मैप में क्या होता है कि आपके वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो ही मेंशन होते हैं. तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जाता है, ताकि वो इजीली, ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत हो, वो सिंपल अपना जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन पर क्लिक करके वो प्रसीव कर सकें जो भी उन्हें चाहिए. तो ये हो गया एक और पॉइंट. और हमारा एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है उसमें हमें कुछ ऑटोमेटिव टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि आप हर चीज तो नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप टाइटल चेक कर सकते हैं, आप लिंक्स चेक कर सकते हैं, आप हेडिंग सब कुछ चेक कर सकते हैं, दैट्स फाइन. बट आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस कर देंगे. तो इंडस्ट्री ने भी कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं टू टेस्ट द वेबसाइट्स बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. तो ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, बट मशीन्स मिस्टेक नहीं कर सकती, एज यू ऑल नो. तो उसके लिए एक है लाइट हाउस, एक है एक्स, और भी बहुत सारे टेनेंट करके है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. तो आपको उन सॉफ्टवेयर्स पे हैंड्स ऑन लेना पड़ेगा अगर आप किसी वेबसाइट्स को टेस्ट करने जा रहे हैं. ओके, एंड टिल नाउ आप लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कोई डाउट हो तो आप लोग रेज कर सकते हैं. है. ओके जी या दिस इज एन जी श्योर. इंटरेक्टिव सेशन, सो दिस इज ऑटोमेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग. ओके, अब हम आ जाते हैं, हम लोग एक्सेसिबल करें कैसे. ठीक है, हमने टेस्टिंग की तो बात कर ली, बट हमें एक्सेसिबल करना है. तो HTML जब भी आया था नया नया, तो HTML वॉज नॉट एक्सेसिबल एनी मोर. उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी. जैसे आप ड्रॉप डाउन्स करते हैं, जैसे आप टैब पैनल बनाते हैं, आपने टैब देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स होते हैं, होम टैब काइंड ऑफ, ऑन द ब्राउजर इटसेल्फ आप देखोगे कुछ टैब्स होते हैं. तो उस टाइम में HTML इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो दे कम अप विद एन एड ऑन. वो एड ऑन के साथ आए, और एड ऑन का नाम है आर्या. ओके, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन. तो उसके थ्रू आप अपना जो भी HTML का कंटेंट है उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं. हम लोग उसको डायरेक्टली HTML में भी यूज कर सकते हैं, या हमारे पास एक स्टाइलिंग फ्रेमवर्क है, CSS का थोड़ा एडवांस फ्रेमवर्क है कॉल्ड बूटस्ट्रैप. तो उसमें भी हमें एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज करता है आर्या एड ऑन टू इनहांस द एक्सेसिबिलिटी. तो यूजिंग दैट वी कैन इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इट. सो एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास? ओके, सो यस, तो ये तो हो गई टेस्टिंग, डेवलपिंग. और अब बात करते हैं कि आप लोग प्लेस कैसे हो सकते हैं. जो भी आपने सीखा है अपना स्किल, उसको अप्लाई कहाँ करें, कैसे करें. तो सबसे पहले तो यार देखिए, आप लोग 6 महीने साल भर तो एटलीस्ट इन चीज़ों में बिताएंगे कि आपने सीखना है ये सारी चीज़ें. सीखने के बाद आपको उन्हीं चीज़ों को रियल रियल टाइम प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी. फॉर दैट यू हैव टू फाइंड एन इंटर्नशिप. आप इंटर्नशिप ढूंढिए, या फिर आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में. लोग कम है टेस्टिंग के लिए, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है.
क्योंकि हर एक कंट्री अपना लीगल रूल लीगल लीगैलिटी कर रही है कि अगर आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो मिस हो जाते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे एक्सेसिबल हो रही हैं हर जगह. तो फॉर दैट यू कैन फाइंड फ्रीलैंसिंग, यू कैन डू द फ्रीलैंसिंग एज वेल. फीवर है आपका, अपवर्क है, बहुत सारे आपके फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ पे आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं. आप इंटर्नशिप मिल आपको इंटर्नशिप मिल सकती है. आप कॉरपोरेट में एज एन एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर, एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट, वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. और दैट्स ऑल अबाउट एक्सेसिबिलिटी. अभी तक कुछ कोई क्वेश्चन है गाइस? सर, हेयरिंग इम्पेयर जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ होते हैं फोन्स या लैपटॉप्स में एप्स वगैरह जिससे वो एक्सेसिबल आपकी कर आवाज सके? सही नहीं आ रही है जी, थोड़ा क्लोज आइए माइक. मैं कह रही थी कि जो हेयरिंग इम्पेयर लोग होते हैं उनके लिए कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है फोन में या लैपटॉप में कुछ डिफरेंट? एक्सेसिबिलिटी सभी के लिए होती है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो या नॉर्मल पर्सन भी हो. अगर आप जो टेक्स्ट है और बैकग्राउंड है दोनों को सेम कलर कर दोगे तो आपको कैसे दिखेगा? नहीं दिख सकता, राइट? जी तो आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं तो वो एप्लीकेशंस को आज के ज़माने में एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, सिंस सेंसिटाइजेशन इज गोइंग ऑन. तो बिल्कुल एक्सेसिबल किया जा रहा है सब कुछ. आपकी जो विंडोज़ है बहुत एक्सेसिबल है, आपका मैकबुक है जो वॉइस ओवर के साथ है, इट इज वेरी एक्सेसिबल. लिनिक्स है, लिनिक्स भी ऑर्का के साथ है थोड़े चैलेंजेस, बट इट्स क्वाइट एक्सेसिबल, वी कैन यूज इट. नहीं सर, मैं हियरिंग इम्पेयर लोगों की बात सी, हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल के लिए जो मेन इशू होता है उनको चाहिए होता है जो भी ऑडिबल कंटेंट है उसको कैप्शन में चाहिए होता है. तो जूम के पास फीचर है कैप्शन प्रोवाइड करने का, गूगल मीट जहाँ भी वो मीटिंग्स वगैरह ले रहे हो या यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, तो डेफिनेटली दे नीड कैप्शन, एंड फॉर दैट दे नीड एन एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर टू आइडेंटिफाई वेदर द कैप्शन इज वर्किंग प्रॉपरली या कैप्शन है ही नहीं या क्या चीजें ऐड करनी है उनको कैप्शन के लिए. तो वहां पे उनको एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की जरूरत है. ओके okay. यस, गुड क्वेश्चन. एनीवन एल्स? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है आपकी आवाज. मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जो एज स्पेशल केस हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. जैसे वो पहले डेफ थी, अब वो ब्लाइंड हो चुकी है ना, तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है. उनके लिए भी ज़ाहिर है, वो पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ देख के यूज़ कर सकती थी. अब वो यानी कि बहुत स्ट्रेस में आ गई है वो बच्ची, तो उसके लिए हम कोई उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? उसके लिए कुछ एक्सेसिबल हो सकता है यहाँ से? कोई आईटी में कुछ ऐसा हुआ है अभी तक कोई? जी, तो जो डेफ एंड ब्लाइंड हैं जिनको दिखता भी नहीं है और उन्हें सुनने में भी प्रॉब्लम है, दैट इज कम अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटी. एंड फॉर दैट मार्केट में रिफ्रेशेबल डिस्प्ले होती है, ठीक है? जो भी आपका कंटेंट होता है वेब पे आप उसको ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी है, जो भी मतलब उसको परस्यू करना चाहता है, जो भी उसको यूज करना चाहता है, उसको ब्रेल सीखनी होगी उसके लिए. हाँ, अगर उन्होंने ब्रेल सीख ली तो ऑब्वियस है कि वो आराम से लैपटॉप इजीली यूज कर सकते हैं. मार्केट में एक डॉट बुक भी आई है, तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज अवेलेबल ओवर देयर, बट अमेरिका में, इंडिया में तो अवेलेबल है, तो इट इज देयर. तो यस, इनके ब्रेल तो उनके लिए मस्त है ना? जी, ओके, ब्रेल तो एकदम मस्ट है. थैंक यस, यू. ये जो बच्ची है, लेकिन इसको ब्रेल भी हम कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो डेफ भी है और ब्लाइंड भी है, तो और इसको तो यानी कि हम क्या ऐसी चीज से ब्रेल में सिखाएं कि वो जल्दी सीख सके और बोल भी नहीं सकती है. ओके, तो उन्हें अगर ब्रेल सिखाना है
जी तो उन्हें आपको फिंगर पे बताना पड़ेगा। एक तो साइन लैंग्वेज होती है, वो भी आपको फिंगर, वो फिंगर साइन लैंग्वेज होती है जो कि आपको टच करके सिखानी होती है, या लिप लैंग्वेज होती है। दो या तीन तरीके की लैंग्वेजेस लेकिन होती हैं एक्चुअली। गौरव उसके साथ जो आती हैं उसकी मदर आती हैं हमारे पास ना, तो क्या यस पहले हमें ब्रेल उनकी मदर को सिखानी होगी? बेसिकली मैं वकास बात कर रहा हूँ फ्रॉम जी वकाश जी। कराची, नई सुबह से फाइनेंस लीड कर रहा हूँ मैं ना। तो उसी बच्ची का, मिस आबला ने जैसा कि सवाल किया तो जहन में यही आया कि क्या पहले उनकी मदर को सिखानी होगी इस सिलसिले में हमें ब्रेल? तो उन्हें जो है कम्युनिकेट उनकी मदद सही से कर पाती है क्या? जी बिल्कुल हाँ, अभी जो हम उनको करवा रहे हैं ना ज्वेलरी मेकिंग का, तो ज्यादातर उनकी मदर ही उनको कम्युनिकेट कर रही होती है। और कुछ साइन लैंग्वेज मुझे भी आती है, तो मैं भी उसको ना फिंगर्स उसके हाथ उसके पकड़ के उसको मैं साइन बताती हूँ, तो फिर वो कुछ अंडरस्टैंड करती है। अभी हमने ब्रेल का उनको सिक्सर से स्टार्ट तो लिया है, अब देखते हैं क्या होता है, कितना वो कैच कर पाती है। अभी जी हमने स्टार्ट आपको, लिया है उनका। या तो आपको या तो उनकी मदर को उनको ब्रेल पढ़ाना होगा, क्योंकि वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि जिनको साइन लैंग्वेज आती है वही कुछ कर सकते हैं उनके साथ। दैट्स द थिंग। गौरव, ये केस जस्ट लाइक बिल्कुल आपने अगर अपनी क्लास 9 की सेकेंडरी में अगर पढ़ा हो तो हेलन केलर वाला केस है बिल्कुल। या मैं समझ गया, यस हेलन केलर। यस यस वही केस है बिल्कुल। बट दिस थिंग्स आर लाइक, आपको बहुत जल्दी करनी है ये चीजें, नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि ये फर्स्ट आपकी प्राइमरी नीड होती है कि आप कोई भी चीज सोशल मीडिया या कहीं से स्टडी करना हो, ये सब आप ब्रेल से ही करते हैं राइट? अगर आप देख भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते तो ऑब्वियस है कि उनको ब्रेल जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्टेप लें इसके लिए। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्ड्स टू द एक्सेसिबिलिटी, किसी के पास कोई सवाल है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड पॉइंट, हाउ टू बी अ डेवलपर। तो आई गेस वन डेवलपर इज ऑलरेडी सिटिंग ओवर देयर। तो डेवलपर बनने के लिए तो आपको, देखिए साइटेड जनरली क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है, सो दे जनरली गो टू द बीटेक एंड दे कंप्लीट इट एंड दे गेट इट। बट पीपल हु आर हैविंग सम चैलेंजेस, तो चैलेंजेस लाइक विजन इम्पैमेंट, तो जनरली क्या होता है कि हमें कॉलेजेस मना कर देते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। बट अब तो सेंसिटाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, बट उन लोगों का क्या जिनको रियली पैशन, लाइक हु आर पैशनेट अबाउट लर्निंग दिस ऑल स्टफ, मुझे कोडिंग करनी है एनी हाउ आई नीड टू। तो वैसे साइटेड लोग भी हैं और आप भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनीज स्किल मैटर करता है उनके लिए, आपकी डिग्रीज मैटर नहीं करती। फर्स्ट पॉइंट ये है, तो आप लोग सीख सकते हैं ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी इज एवरीवेयर, आपको बस यूज करना आना चाहिए। यूजिबिलिटी आपको समझ में आनी चाहिए उसकी, कि आपको यूज कैसे करना है, तो आप आराम से उस चीजों को सीख सकते हैं। फॉर HTML, आई मीन सिर्फ HTML सीखने के लिए आपको सिर्फ एक नोट पैड और एक ब्राउजर की जरूरत है। आप सिंपल एक नोट पैड पर टाइप कर सकते हैं, आप ब्राउजर पे उस कोड को रन कर सकते हैं। तो फॉर डेवलपर वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ सेक्टर्स, कोई फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है विथ पाइथन, कोई मीन स्टैक डेवलपर बनना चाहता है विथ मर्न, एक्सप्रेस, नोड जेएस, रिएक्ट, कोई चाहता है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूं विद द डेटा साइड, कोई चाहता है कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीखूं। तो यस, एवरीथिंग इज देयर इन द मार्केट। चलिए हम इनमें से एक पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू पिक फुल स्टैक डेवलपमेंट विथ पाइथन। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले तो बेसिक पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग।
पाइथन सीखने के लिए आपको सिंपल CMD पे भी आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच एक्सेसिबल। जो नमपैड कीज होती हैं उससे आप आउटपुट उसका देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एरो कीज काम नहीं करती है, और आप सिर्फ नमपैड को ऑफ करके आप उसका जो भी आउटपुट है वो आप ले सकते हैं। सेकेंड, आप VS कोड यूज कर सकते हैं टू लर्न पाइथन, कि जो भी आपको कोड रन करना है सिंपल आप कंट्रोल ग्राफ करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, कोड को रन करेंगे, या फिर आप और भी पाइचार्म है, इट इज ऑल्सो वेरी मच एक्सेसिबल, तो आप वो यूज कर सकते हैं पाइथन सीखने के लिए। अब कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हम सीखे कहाँ से, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस दे रहे होते हैं अबाउट पाइथन, बट क्या होता है कि पीपल हु हैव नेवर लर्न एनी लैंग्वेजेस, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है विद द स्क्रीन रीडर। तो आई वुड प्रेफर, आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप उनसे सीखें जिन्हें स्क्रीन रीडर आती हो। अदरवाइज अगर आप बहुत कीन हैं और अगर आपको अच्छा थोड़ा एक्सपीरियंस है विद द प्रोग्रामिंग, तो यू कैन चूज W3 स्कूल्स, यू कैन चूज जावा टी पॉइंट, और देर इज अ वंडरफुल बुक ओवर देयर ऑन कोर्सेरा। कोर्सेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन चूज दैट एज वेल। पाइथन फॉर एवरीबडी, देर इज अ कोर्स, देर इज अ बुक एज वेल, तो आप वो कोर्स चूज करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वन बुक इज ऑल्सो देयर, अगर आप लोगों के पास बुक शेयर की मेंबरशिप है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, इट इज अ बाय ऑथर, बाय द ऑथर इज पेथर पी मिलिकेंस। तो उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे अपना रोड मैप लगाना है, आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, लाइक पहले आपको प्रिंट स्टेटमेंट करना है, फिर आपको वेरिएबल्स समझना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। किसी को आइडिया है यहाँ पे कुछ, मतलब अगर किसी ने कभी ट्राई किया हो कोडिंग का, क्या होते हैं वेरिएबल्स? गौरव, आप बुक का नाम रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी, पाइथन प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स, इट इज ऑन बुक शेयर, और पाइथन फॉर एवरीबडी ये है आपका कोर्सेरा पे। तो किसी को आई अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बढ़िया। या गो अहेड प्लीज। तलहा नाम है मेरा। जी, तलहा नाम है मेरा सर। और मैंने कोडिंग का, मुझे बहुत हद तक शौक है और थोड़ी बहुत सीखी भी, HTML सीखी मैंने, और आगे मजीद मैं अब सीखना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐप डेवलपमेंट या फिर गेमिंग, जो VIs खेल रहे होते हैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। लेकिन यही, जैसे आपने बताया कि हमारे साथ जो बैरियर्स आ रहे हैं वो ये हैं कि कोई साइटेड हमें मिल रहा होता है सिखाने वाला, कोई उसके NVDA सपोर्ट के साथ, स्क्रीन रीडर सपोर्ट के साथ हमें कोई नहीं मिल रहा होता। बाकी आप ये पूछ रहे हैं कि जो टैग्स वगैरह होते हैं और ये सारे साइंस जो होते हैं जिनके जरिए हम कोडिंग कर रहे होते हैं, इनके हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यस, नॉलेज है मुझे। तो या HTML इज लाइक मार्किंग मार्किंग लैंग्वेज, तो वहां पे तो आप यस, टैग्स वगैरह यूज करते हैं, मगर जो पाइथन होता है, पाइथन में हम टैग्स यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं वहाँ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं है, सिर्फ एक बकेट है जहाँ पे हम कुछ डेटा, कुछ भी हमने स्टोर करना हो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है। तो वेरिएबल हम स्टोरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कि सपोज आपके बकेट में आम है, केला है, तो लाइक दैट वी कैन स्टोर एप्पल इन द टेक्स्ट, वी कैन स्टोर सम नंबर्स, कि आपका फोन नंबर है आपको सेव करना है, तो आप एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो या पाइथन के लिए आपको लाइक दिस वुड बी द वे, कि आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, नेस्टेड कंडीशन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप क्या होता है, लूप में भी दो तीन टाइप के लूप हैं, फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप, डू डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको। स्ट्रिंग मेथड सीखना है कि स्ट्रिंग्स को हम कैसे मैनिपुलेट करें, और स्ट्रिंग्स कुछ नहीं, आपके टेक्स्ट को हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं पाइथन में। तो
स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट करें और फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शंस में भी दो तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आप डिफाइन करते हैं वो फंक्शन, जो पाइथन प्रोवाइड करता है वो फंक्शन, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, टूपल, डिक्शनरी, ये भी कुछ नहीं, एक वेरिएबल है, वेरिएबल को एक अलग तरीके से सेव किया जाता है, इसलिए हम इसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल हम डेटा सेव करते हैं. तो आप पाइथन सीख सकते हैं बेसिक में. पाइथन सीखने के बाद जब आप पाइथन एक अप टू द मार्क कंप्लीट कर लेते हैं, टिल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक, जहाँ पे आप क्लासेस वगैरह बना सकते हैं, तब आप आएंगे बैकएंड के साइड, द फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क में आपकी चॉइस है, आप जेंगो भी चूज कर सकते हैं, आप फ्लास्क भी चूज कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड गो विथ फ्लास्क एज अ बिगिनर. आप फ्लास्क के साथ इसलिए जाएं क्योंकि जेंगो जो है वो ऑलमोस्ट चीजों के साथ आता है, कोडिंग उसमें ऑलरेडी की हुई होती है, बट जो आप कोडिंग करते हैं ना, आपका एक्चुअली आपको पता होता है आपने लिखा क्या है, लिखना क्या है, बट जेंगो में आपको ना बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है. तो एज अ बिगिनर आप वो कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं विद जेंगो. तो इट्स बेटर कि आप फ्लास्क के साथ जाएं. और आप जब भी फ्लास्क जाते हैं तो फ्लास्क में आपको एपीआई वगैरह सीखनी है, आपको एक डेटाबेस सीखना है, ताकि आप जो कोड आपने जो भी फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया है, यूजर फॉर्म, तो यूजर ने साइन इन किया, साइन अप किया, तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, राइट? तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक डेटाबेस. डेटाबेस फॉर एग्जांपल एसक्यूएल है, आपने कभी नाम सुना हो एसक्यूएल, या मोंगोडीबी है जो नो एसक्यूएल होता है. थोड़ा सा डिफरेंस है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, बट फिलहाल एसक्यूएल और मोंगोडीबी हम समझते हैं. तो एसक्यूएल कुछ नहीं है, बस जो एक्सेल में हम लोग टाइप करते हैं, राइट, ये एक टेबल का फॉर्मेट बना लेता है. तो एसक्यूएल में भी सेम है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम एक क्वेरी देते हैं और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक टेबल वे में हमें उस क्वेरी को आउटपुट में बदल के देता है. तो एसक्यूएल इज दैट ओनली. और जो MongoDB है वो नो एसक्यूएल है. नो एसक्यूएल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये टेबल में हमें आउटपुट नहीं देता, ये हमें आउटपुट देता है टेक्स्ट में. थोड़ा सा कोडिंग मिक्सअप होता है, जब आप करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी कि एक्चुअल में ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, बट हाँ वो हमें टेक्स्ट में आउटपुट देता है. तो ये तो हो गया आपका डेटाबेस. तो डेटाबेस भी आपको सीखना है, और आपको वहां तक सीखना है जहां तक कि आपको एक्चुअल में जरूरत हो. और आपको जरूरत एक्चुअल में ऑलमोस्ट लाइक आपको क्वेरीज हर लेवल की करनी है, आपको एग्रीगेशन वगैरह, आपको फिल्टरिंग, आपको क्रिएटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड रीडिंग द डेटा, ये सारी चीजें आपको करनी है. तो एक बार आप ये कर लें और फिर उसके बाद आप एपीआई कर लें, फिर आपको एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन की जरूरत होती है, तो पोस्टमैन आप यूज कर सकते हैं. और फ्रंट एंड के लिए आप जिंजर टू यूज कर सकते हैं. तो जिंजर टू आप एचटीएमएल के साथ यूज करेंगे, तो प्लेन एचटीएमएल होगा, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कोड होते हैं, ब्रेसेस के अंदर आपको बस वेरिएबल के नाम लिखने होते हैं, तो आप आउटपुट ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए. तो ये तो हो गया हमारा बैकएंड विथ डेटाबेस. तो फ्रंट एंड के लिए हमें क्या जरूरत हो सकती है? तो वैसे तो हम सिंपल, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, आप सिंपल एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं जिंजर टू का एचटीएमएल के साथ. अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है रिएक्ट का, आपके पास ऑप्शन है एंगुलर का. तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंगुलर के साथ, आई लव दैट लैंग्वेज. जब भी मैं कोड करता हूँ तो मुझे एंगुलर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. तो यू कैन यूज एंगुलर. और बस आपके साथ एक छोटी सी इशू है, इशू ये है कि आप जो भी सीएसएस टाइप करते हैं, जो भी आप स्टाइलिंग के लिए कर रहे होते हैं, तो उसका आउटपुट आपको एक्चुअली पता नहीं होता कि आउटपुट क्या होने वाला है. आपको नहीं पता कि मार्जिन कैसा दिख रहा है, आपको नहीं पता बॉर्डर्स कैसे लग रहे हैं, कलर कैसे मैचिंग हो रही है. तो आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं,
बूटस्ट्रैप के, टेलविंड सीएसएस के, स्केलेटन के, फाउंटन के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं सीएसएस में, जो कि अपने अपने टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और अब एक पॉइंट और आ जाता है कि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप तो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आप डेफिनेटली, नहीं डाउट है कि आप एक्सेसिबिलिटी का खासा ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट ने एक वेब डिज़ाइन सिस्टम लॉन्च किया है, तो USWDS अगर आप सर्च करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वेब डिज़ाइन सिस्टम, तो उसके ऊपर आपको रेडीमेड कोड्स मिल जाते हैं, कॉम्बो बॉक्सेस के लिए, टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए, आपको लैंडमार्क्स के लिए, सब चीज़ों के लिए उस पर ऑलरेडी कुछ रेडीमेड कोड पड़े हुए हैं। आपको बस वो डाउनलोड करना है और आपको यूज करना है, अपने जो भी कोड है वहां पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द गुड वे टू डू द कोडिंग, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि किसी को आपके कोड से कोई इश्यू ना हो, वो अच्छे से उस चीज को यूज कर पाए जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं। तो गाइस, कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब कुछ इशू इन चीज़ों में आपको लग रहा है कि आपको कोई एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस हो सकते हैं, या कोई सवाल, प्लीज रेज करें। गौरव, ये बताइएगा कि हम डायरेक्ट, मिसाल के तौर पर अगर मुझे HTML नहीं आता या CSS नहीं आता जो भी, तो हम आपको क्या नहीं डायरेक्ट आता? पाइथन सीख थोड़ी सकते सी हैं? आवाज़। मैं ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, तो हम डायरेक्ट पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं? जी, तो आप डायरेक्ट पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि HTML और पाइथन दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। HTML है वो टैगिंग है, उसमें आपको सिर्फ कुछ टैग लिखने हैं, लेस HTML ग्रेटर, लेस बॉडी ग्रेटर, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक बट पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा अगर कोई बंदा सिखाने के लिए तैयार हो जाए, सीखने के लिए कोई बंदा तैयार तो एज अ बिगनर आपको चीजों में टाइम तो लगना है, हो, एवरेज? तो पाइथन आप अगर सीखने जाते हैं, मिनिमम आपको 3 मंथ्स तो लगेंगे पाइथन सीखने में। जी, उसके बाद चीजें थोड़ी फास्ट फास्ट होंगी, बट पाइथन सीखने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा अगर आप स्टार्टिंग में पाइथन सीखना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपने वेबसाइट और ये सारी चीज़ें बताई हैं, अपना अभी आखिर में आपने बताया यूनाइटेड स्टेट यूएस हाँ, डिज़ाइन USWDS। सिस्टम, तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, इसमें सारे पेड होंगे, अनपेड होंगे, ये क्या सिस्टम है सारा? जो भी मैंने आपको बताई है सब कुछ फ्री है, किसी में कोई चार्ज नहीं है। आप यूनाइटेड स्टेट वेब डिजाइन सिस्टम, ये सिंपल टेम्पलेट्स हैं, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो WCAG है उसका गाइडलाइन है, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ट्रस्टेड ट्रेनिंग टेस्टर है बाय अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी, तो उनके वेबसाइट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स भी कर सकते हैं, ट्रस्टेड ट्रेनिंग टेस्टर का। और एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए एक और है सर्टिफिकेशन, ये डेक यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं एक मीटिंग के नोटेशन में लिख के आपको भेज दूंगा, जिन्होंने भी मीटिंग ज्वाइन की है। तो ये तो हो गया एक बात। यस अच्छा गौरव, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा पाइथन के हवाले से। जी आपने अभी बताया तो मुझे ये जानना था आपसे कि बाज़ अवक़ात हम लोग कोडिंग करते हुए ना कमेंट्स लिखते हैं हैश जी साइन के साथ, तो क्या हमें कोई ऐसा मिल सकता है जहाँ पे हमारे साथ में कमेंट्स भी हों? बाज़ अवक़ात हम लोग सिंटैक्स जो देखते हैं ना, उसमें इस तरह का सिंटैक्स होता है जो हमें बाज़ अवक़ात समझ नहीं आ रहा होता। कोडिंग के भी मुख्तलिफ वेज हैं, तो कोई अगर हमें इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता भी है, कुछ मिलती भी है, उसमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं या कुछ आपका कोड मिल जाता है, प्रोग्राम मिल जाता है, तो उसमें कमेंट्स ऐड नहीं होते हैं, तो हमें समझने में मुश्किल होती है। तो कोई ऐसे एक्सेसिबल वेबसाइट जिसमें कमेंट्स भी ऐड किए हों, कोई आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो बताइएगा। जी मैंने W3 स्कूल्स मेंशन किया है और जावा टी पॉइंट मेंशन किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो टेक्स्ट मिलेगा ना, बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, और वहाँ पे आपको कमेंट्स की ज़रूरत ऐसा सच पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ होता है वो छोटे छोटे कंटेंट्स में प्रोवाइड किया होता है कोड। तो एक तो ये हो गया, अदरवाइज अगर आपके पास कुछ कोड है, फॉर एग्जाम्पल आप गिटहब पे जाते हैं,
गिटहब कुछ नहीं है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया भर की जो भी ओपन सोर्स कोड होता है उसका कोड एक्चुअली अपलोड करते हैं लोग, एक रिपोजिटरी बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे से आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ कोड है, सपोज उसमें कोई कमेंट्स नहीं है, आप चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए, बोलिए कि गिव मी द कमेंट्स अबाउट दिस कोड। तो एक तो ये वे है आपके पास। ये थैंक यू। अच्छा मैं ये पूछ ही रहा हूँ कि बाज़ अवक़ात हम अगर कोडिंग करते हैं ना किसी प्रोग्राम के हवाले से, तो हम उसको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से अपने तौर पर लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर अगर कैलकुलेटर की बात करें हम पाइथन में, तो हम उसको अगर लेके चलते हैं तो उसमें हम इफ कंडीशन और उसके साथ लेके चल रहे होते हैं। बाज़ अवक़ात मैंने जो कोडिंग देखी है वो काफ़ी लंबी कोडिंग्स हैं और उनको बड़ी शॉर्ट वे में किया जा सकता है, तो इस तरह का मैं ये पूछा था इसलिए कि उसमें कॉमेंट्स ऐड हों ताकि हम उसको ईजिली समझ सकें कि यहाँ पर जो डेवलपर है इसने ये चीज़ यूज़ की है और इसको इस तरीके से वो लॉजिकली लेके चल रहा है, तो देखिए थैंक यू ये मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई कोड करता है ना, ये उसको समझ में आना चाहिए कि आप जब भी कोड कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ प्रॉपर कमेंटिंग। ठीक है, एक तो कमेंट होता है, एक तो डॉक स्ट्रिंग होता है। डॉक स्ट्रिंग भी आपने देखा होगा, ट्रिपल कोट्स में होता है, राइट? इफ यू माइट हैव सीन दैट, मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट अगर आपने देखा हो, तो उसमें हम लोग जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसको डिफाइन करते हैं कि हम इसको बना क्यों रहे हैं, हर एक पैरामीटर का मीनिंग क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं वो पैरामीटर। तो एक तो ये होता है डेवलपर के ऊपर कि वो कैसे बना रहा है, दूसरा अगर नहीं बनाता डेवलपर दैट्स फाइन, हम लोग सिंपल आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हम उसमें कमेंट्स अगर हमें समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ और वो पेस्ट कर दो एंड आस्क हिम टू गिव द कमेंट्स, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि एक तो लिमिटेशन होगी ना आपके कोड की, आपका जो भी अगर कोड अगर बहुत सारे बहुत ज़्यादा कोडिंग है तो इट्स नॉट लाइक कि आपके एक फाइल में मेंटेनेबल होगा, वो मल्टीपल फाइल्स में होगा, तो उसको उसके हिसाब से आप सेपरेट करके आप समझ सकते हैं। यस एक वेबसाइट बनाने के लिए जो बिल्कुल बेसिक वेबसाइट अगर होती है तो उसके लिए हम कितनी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, या कितनी लैंग्वेज हम आनी चाहिए और कितनी कितनी आनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है एक्चुअली। मतलब आपका वेबसाइट अगर स्टैटिक है तो आप सिंपल HTML यूज करके और 2-3 लाइन CSS के लिख के आप उसको बना सकते हो, मगर आप डायनामिक बनाते हो जहाँ पे चीजें चेंज होने वाली हैं, मतलब आप यूजर ऑथेंटिकेशन वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ मल्टीपल चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल HTML, CSS, JavaScript, शायद आप फ्रेमवर्क भी यूज करो जैसे बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड के लिए, या हो सकता है आप HTML CSS यूज ना करके आप सीधा रिएक्ट या एंगुलर या Vue.js या स्वेल्ट ऐसी चीजें यूज करो, या हो सकता है आप बैक एंड में कुछ और भी चीजें यूज करने लगो फ्रेमवर्क के अलावा, जैसे फ्लास्क हो गया, फ्लास्क के साथ पेमेंट गेटवे है, अगर आपने कहीं पेमेंट रिसीव करनी है तो पेमेंट गेटवे ऐड करना होता है उसके लिए, राउजर कुछ करके होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो फिर आप पाइथन कब सिखा रहे हैं हमें? ठीक जवाब बोल दे। है, फिर आप एंड करने के बाद मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें अगर नंबर नोट करना चाहें। अरे दैट्स फाइन, ओके, वी विल गिव यू ऑल द फीडबैक फॉर्म, तो प्लीज आप लोग टाइम निकाल के, 2-4 मिनट ही लगेंगे, आप लोग वो फॉर्म भर दें ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों की एक्चुअल में जरूरत क्या है, आपको सीखना क्या चाहते हैं आप लोग, सो दैट अकॉर्डिंगली वी विल मेक अ प्लान कि आप लोगों को सिर्फ पाइथन की जरूरत है, आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट की जरूरत है। यस अस्सलाम ये वालेकुम। बहुत बेहतर हो जाएगा। यस जी वालेकुम अस्सलाम। कोई कुछ पूछना चाह रहा है शायद? अच्छा गौरव, मेरा एक सवाल है, वो पीछे आपने उसको थोड़ा सा बताया था लेकिन थोड़ा सा और डिटेल बताओ। हम जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं जी बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफिकल होती हैं, बहुत देखने में अच्छा लगता है,
जी इन सबको मैनेज करना एक वीआई के लिए मुश्किल तो होता है कि वो बिल्कुल रंगों के साथ खेलना और तस्वीरें इधर से उधर भाग रही हैं, ग्राफिक बहुत अच्छा है और कुछ अलग अलग वैरायटी होती है, तो उन सब चीजों को एक वीआई किस तरीके से मैनेज करेगा, या इसी तरह मुख्तलिफ जगहों से सहारा लेके बस लगा देगा, या खुद से कुछ वो वहां पर अपना भी एडिशन कर सकता है? तो सलमान सर, एक्चुअली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक, जब हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो कलर्स वगैरह तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रेसिंग इंसर्ट प्लस एफ। तो बट हमें कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम रैंडमली अगर किसी ने एक पूरे पैराग्राफ में एक वर्ड पे अगर कहीं कलर किया हो तो हम उस चीज़ को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट? तो ये कलर्स के साथ तो हमें प्रॉब्लम है, मगर जब हम कोड में जाते हैं तो कोड में हमें मेंशन होता है कलर क्या आरजीबी यूज किया है, और या फिर हमने डायरेक्टली कलर का नाम यूज किया, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। शायद ये थोड़ी प्रॉब्लम हो बॉर्न ब्लाइंड के साथ, बट हु इज अ रीसेंट ब्लाइंड जो ऑलरेडी कलर के बारे में अच्छे से अवेयर है तो वो अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा लेट ब्लाइंड हूँ तो मुझे आइडिया है कि ब्लैक के ऊपर व्हाइट चलेगा बट ब्लैक के ऊपर ग्रे नहीं चल सकता, ठीक है? येलो के ऊपर ब्लू चलेगा बट येलो के ऊपर लाइट येलो नहीं चल सकता, दैट इज नॉट वर्केबल। तो बट हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं क्या करता हूँ कि इन झंझटों में पढ़ने से अच्छा है कि आप फ्रेमवर्क्स के कोड उठा लो और आप वही फ्रेमवर्क्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप उनको पेस्ट कर दो, तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगती है देखने में, मतलब एकदम जबरदस्त लगती है। अच्छा गौरव, मेरा एक सवाल ये है कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक वेबसाइट है जो वीआई के लिए टोटली एक्सेसिबल हो और साइटेड के लिए भी देखने में अच्छी हो, अब वीआई के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वॉइस ओवर एक्सेसिबल हो, आराम से कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें जो हम चाहें कि बिल्कुल 100% वीआई के लिए एक्सेसिबल हो, तो वो क्या जरूरी चीजें हैं जो आप मेंशन करना चाहोगे कि वो एक वेबसाइट में होनी चाहिए? जैसे कि तो मिसाल के तौर पे जी हमारी अपनी नई सुबह की भी वेबसाइट है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें समझते हो कि आप समझ लो मैं बिगिनर हूँ और मुझे गाइड कर रहे हो कि जी जी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए ताकि हर खासो आम के लिए जो है वो इजी हो उसको चलाना? तो जी वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ना, आपका टाइटल होता है सर। तो जब भी आप नेविगेट कर रहे हैं वन टू अनदर पेज, तो अगर अगर टाइटल चेंज नहीं हो रहा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस पेज पे लैंड हो गया हूँ, या मेरे पास मल्टीपल टैब्स ओपन है, क्यों ओपन है, कौन से पेज पे मैं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो आपके जो टाइटल होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द पेज होना चाहिए। आपका जो बैनर है जहाँ पे आप अपना लोगो लगाते हैं, वो बैनर में एक्यूरेट लोगो होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए, एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे और कुछ ऐड करते हैं तो उसको मतलब थोड़ा सा इस तरह से करें कि वो मतलब ज़रूरी हो तो तभी ऐड करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है तो कई ऑर्गेनाइजेशन अपना नंबर ऐड कर देती है वहाँ, बट वो वहाँ पे ऐड करना नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो वहाँ पे एक आरिया कोलन हिडन कर दीजिए ताकि वो स्क्रीन रीडर के लिए रीडेबल ना हो। सेकेंड थिंग, जब आप नेविगेशन में आते हैं तो उसको एक ब्रेड क्रम के तरह बनाएं, ठीक है? नेविगेशन साइड बार के तरह बनाएं ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और पीपल जो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं उनके लिए भी बड़ा एक्सेसिबल होता है वो। और जो मेन कंटेंट है उसके लिए आप ऊपर एक टॉप लेफ्ट में स्किप टू मेन कंटेंट, आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर एक बटन दे ताकि वो डायरेक्टली मेन कंटेंट पे पहुंच सके। और मेन कंटेंट में आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से ऐड करनी चाहिए विद द फुल ऑफ हायरार्की, कि फर्स्ट हेडिंग कहाँ लगनी है, सेकंड हेडिंग कहाँ लगनी है, कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से आप बनाएं। अगर कॉम्बो बॉक्सेज हैं, एडिट बॉक्सेज हैं, तो उनको एक्सप्लिसिट एसोसिएशन होना चाहिए उनका जो कंटेंट है उसके साथ।
जो मान लीजिए आपने एक लेबल डाल रखा है योर नेम, एडिट बॉक्स में आपने लिख रखा है कि एंटर योर नेम, बट जब आप टैब से जा रहे हैं तो वो आपको रीड नहीं कर रहा, वो बस बोल रहा है एडिट बॉक्स। तो उसके लिए आईडी यूज होता है, आप आईडीज वगैरह यूज करें, कॉम्बो बॉक्स में लेजेंड फील्ड वगैरह यूज करें, और फुटर में जो है इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दीजिए, बहुत लंबा मत दीजिए बट इन अ शॉर्ट वे अगर आप देख सकते हैं तो वो दीजिए। यस मेरी आवाज आ रही है? जी मेरे दो सवालात थे साकिब रिजार्स कर रहा हूँ। एक तो मुझे बताइएगा, ये जो फ्लैश FXP एक सॉफ्टवेयर है, इसका क्या काम होता है वेब डेवलपिंग में? सेकेंडली, आपके एनालिसिस में जानना चाहूंगा, एक वेबसाइट है अगर आपने कभी विजिट की हो, जो कि आपने यकीनन की होगी, ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट। इस यस वेबसाइट पे यानी किस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, या फिर किन चीजों पे यानी बुनियाद कर रहा है इसका स्ट्रक्चर? आपने फर्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम क्या लिया? फ्लास्क एसपी, फ्लैश फ्लैश FXP ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है वेब डेवलपिंग में, मैंने सुना है कि इसमें काम होता है, तो अगर आपको नहीं, मालूम है तो बता देते वरना। कोडिंग के लिहाज से तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसका कहीं यूज होता है। हो सकता है कि जैसे वर्डप्रेस हो वैसे ही यूज होता हो, बट आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दिस, मैंने कभी ओके यूज ओके, नहीं किया। और जो ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट है, तो हम लोग के पास एक्सेस सिर्फ यूजर इंटरफेस का है, हम लोग यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता वो बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं। तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि बैकएंड में वो पाइथन यूज कर रहे हैं या जावा स्प्रिंग बूट के साथ यूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट फ्रंट एंड में वो सिंपल HTML यूज कर रहे हैं ये श्योर है, क्योंकि उन्होंने Alt-S Alt-V ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो वो एक्सेस कीज के थ्रू दी जाती हैं जो कि HTML में ही होता है। अच्छा गौरव, एक सवाल है कि अगर VI हो या पार्शियली ब्लाइंड हो, पार्शियली साइटेड हो, ये हम जो नॉर्मल वेबसाइट यूज करते हैं, गूगल्स की या फेसबुक की या मुख्तलिफ जितनी भी वेबसाइट हैं, इसमें यार ये इश्तिहारात का बड़ा मसला है। मैं लगा हुआ हूँ कहीं और वो इश्तिहार आता है, और अगर बाय मिस्टेक क्लिक हो जाए और क्लिक ना भी हो तो वो जंप करके कहीं और चला जाता है, हमें कंटेंट से भटका देता है। तो भाई ये इससे कैसे बचा जाए, ये बहुत समस्या है हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो। सर ये इससे तो मैं भी नहीं बच पाया ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी आपके स्क्रीन पे एकदम से ऐड आ जा रहा है, आपने एक वेबसाइट खोल रखी है, एक ब्लॉग खोल रखा है, एग्जांपल के लिए आप एरो की से नेविगेट कर रहे हैं, सडनली एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, बट आप जब भी मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ क्लोज बटन देता है, तो फाइंड कीजिए क्लोज बटन होगा, ठीक है, वो ऐसे बोलेगा बटन क्लोज, या टॉप पे होगा अगर नहीं हो वो बोलता है तो सिर्फ बटन अनलेबल्ड बोलेगा टॉप लेफ्ट पे, तो आप स्क्रीन रीडर से कंट्रोल होम कीजिए वहीं पहुंच जाएंगे, एंटर कीजिए आप एग्जिट आ जाते हैं, बट अगर आपका स्क्रीन रीडर का कर्सर मूव हो जाता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिर वहीं आना पड़ेगा अपना डाउन एरो करके, तो अच्छा, दैट इसमें इज द और रीजन। चीजें भी होती हैं, जैसे कुकीज होती हैं, कुकीज जी एक्सेप्ट करने का बोल रही होती है मुख्तलिफ वेबसाइट, और कुछ वेबसाइट पे जी नोटिफिकेशंस का भी आ रहा होता है, तो इनका क्या करें, इनसे कैसे बचें? तो नोटिफिकेशन को आप वहाँ कुकीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि आप दोबारा विजिट करने वाले हैं वेबसाइट को तो आपका जो भी ट्रैकिंग है वो ट्रैक करके रख सके, तो आप वो चाहें तो कुकीज एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, वहाँ पे क्लोज का बटन आता है, बट वो जब भी आप वेबसाइट पे लैंड करते हैं वो सिर्फ तभी के लिए होता है, तो इट्स नॉट कि आपका कर्सर इधर उधर मूव कर रहा है। और आपके सेटिंग में, गूगल क्रोम के सेटिंग में आई गेस ये फीचर भी है कि कुकीज के लिए आप चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स को, या लैंड करते ही आप अलाउ भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, आई गेस प्राइवेसीज में है शायद ये। गौरव, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो गूगल में तो ऐड का बंद करने का भी ऑप्शन आता है, लेकिन इससे कोई असर तो नहीं होता। गूगल की अगर हम सेटिंग में जाते हैं, उसमें ऐड बंद करने का नहीं ऑप्शन भी नहीं देता उससे है तो वो? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वो ऐड तो वो देगा ही देगा, आप चाहे उसको बंद कर ले, वो आप सिर्फ आपका डेटा ट्रैक नहीं करेगा, ये कहते हैं जो ऐड बंद करते हैं हम।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा जैसे बोलना चाहूंगा कि अपने एड ब्लॉकर और पॉपअप ब्लॉकर, ये आप गूगल की ना एक्सटेंशन ये यूज कीजिएगा, तो एक्सटेंशन इससे आपको ये जरूर फायदा होगा। जो आप कह रहे हैं ना कि अचानक आप पेज से दूसरे पेज पे आ जाते हैं, तो ये दो एक्सटेंशन यूज जरूर कीजिएगा, एड ब्लॉकर और पॉपअप ब्लॉकर। इनसे आपका कंटेंट काफी हद तक आपको इससे फायदा हासिल होगा। वाओ, सो एड ब्लॉकर इज फॉर यूट्यूब राइट? नहीं, ये गूगल के लिए भी यूज होता है। अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट यूज करें जिसके अंदर इश्तेहारात बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये उनको भी काफी हद तक जो है वो रोक लेते हैं। और पॉपअप ब्लॉकर भी, अगर आप एक पेज से फौरन दूसरे पेज पे जंप हो जाते हैं और उस वो पेज फिर आपको मसला कर रहा होता है, आप किसी और लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे होते, क्लिक करते हैं तो कोई और लिंक आ जाता है, उस प्रॉपर उस लिंक को खोल नहीं पाते हैं, तो ये इसमें काफी आपके लिए मददगार दोनों साबित होते हैं। और यूट्यूब पे भी है एड स्किपर के नाम से, लेकिन ये कि आप एड ब्लॉकर और पॉपअप ब्लॉकर यूज करें, इससे मुझे बहुत फायदा हासिल हुआ है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। कोई और सवाल है किसी के? जी सर फीडबैक फॉर्म दे दें ताकि आपसे जी रابطہ जी किया जा हम सके और हम आपकी जी जी मैं शागिर्दी में अभी आ अभी आप लोगों को सके। फीडबैक फॉर्म देता हूँ चैट बॉक्स में। अच्छा, दूसरा, जितने भी तमाम स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर आपको नई सुबह की तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारा सर्विस सेंटर है यहाँ शब्बीर से, मेरी गुजारिश है कि चैट में जो है वो शब्बीर या मिस अक्सा सर्विस सेंटर देख रही होती हैं, वहाँ पर चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए सर्विस सेंटर का, तो आप लोग यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आने वाले दिनों में नई सुबह इसी चीज को लेके एक कोर्स शुरू करने वाली है, तो अपने हिसाब से आप इसमें बताइए कि आप लोग किस तरह का कोर्स डिजाइन करवाना चाह रहे हैं या किस तरह का कोर्स नई सुबह शुरू करवाए, ताकि हम गौरव कुमार की खिदमत जो है वो यहाँ पर ले सके। दूसरा, मुझे ये पूछना है गौरव कुमार आपसे कि आप थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट बताओगे जो बिगनर्स हैं, कि एक इंटरनेशनल मार्केट में, शुरू में आपने बताया तो है लेकिन अर्निंग के हिसाब से, कि एक बिगनर अगर उस लगाता है 3 महीने 6 महीने वॉट एवर और वो अपना काम स्टार्ट करता है, इनिशिएटिव शुरू अपना लेता है, तो उसमें कितना अर्न कर सकता है और फ्रीलांसिंग में इसका कितना हाथ है, ऑनलाइन घर बैठ के इस पे ये कितना काम कर सकता है, थोड़ा सा एक ताकि इंटरेस्ट बढ़े लोगों का कि इसमें कितना स्कोप है और कितनी अर्निंग हो सकती है इजीली, और कौन ओके सी कंपनीज है या कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हायर करते हैं, इसलिए कि इसमें तो हर चीज में एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब आप मेरे पास आए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यकीनन आपका एक्सपीरियंस देखेगी, आपका काम देखेगी, फिर कहीं जाके आपको काम मिलेगा, तो स्ट्रगल तो खैर हर जगह करनी पड़ती है, तो जी यहाँ पर कुछ टिप्स भी दीजिए आप और कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली हाईलाइट किया है, ये ज़रूरी भी है बताना। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने प्रोफेशन को एक्चुअल में प्रोफेशनल बनाना है। तो मैंने जैसे इंटर्नशिप बताया, आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास में आप देखिए जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए वो रेडी होते हैं। लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले तो आप, जहाँ पे आप जो सीईओ हैं या फाउंडर्स हैं कंपनीज के हैं या किसी भी मैनेजमेंट पोस्ट पे अवेलेबल हैं या टैलेंट एक्विजिशन है जो भी एचआर हैं उनसे आप रابطہ कर सकते हैं। सीधा आप बोलिए दैट आई एम एन एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल एंड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली दे विल लुक समथिंग फॉर यू अगर उनके पास कुछ अवेलेबिलिटी होती है। कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, जेपी मॉर्गन है, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, जैसे ये है आपका गूगल है, बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है आपका, छोटी कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल जोहो है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती हैं। आप चाहें तो मतलब इंटर्नशिप के साथ साथ आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको एक साइड इनकम मिलती रहे। इंटर्नशिप अनपेड भी होती है, पेड भी होती है, आपको दोनों में से कोई भी मिले आपने ऑप्ट कर लेना है,
क्योंकि स्टार्टिंग है आपका, आपको एक्सपीरियंस गेन करने से मतलब है अभी। तो साथ ही साथ अगर आप फ्रीलैंसिंग करते हैं तो आपकी कुछ अर्निंग हो जाती है। तो फ्रीलैंसिंग में आपको नहीं भी कुछ तो 5200 डॉलर एक प्रोजेक्ट का मिलता है। दैट कैन गो अप टू 1 वीक, मे बी 5 वीक्स, और 6 मंथ्स भी जा सकते हैं। बट जनरली आपका 3 वीक्स 4 वीक्स के लिए समवेयर अराउंड 100 डॉलर, जिसमें आपको दिन के 1 घंटे 2 घंटे आपको देने हैं। चलिए आ जाते हैं, अगर फुल टाइम अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंट्री लेवल पे, आपका जो सैलरी होने वाला है इंडियन रुपीज और अमेरिकन डॉलर, आई एम टेलिंग, इंडियन रुपीज में आपको एटलीस्ट 6 लाख 5 लाख एवरेज सैलरी आपको मिल जाती है। या थैंक यू फॉर सबमिटिंग। तो आपको 5 लाख 6 लाख के अराउंड आपको सैलरी एवरेज मिल जाती है इंडियन रुपीज में। अगर आप डॉलर में आ जाएं तो ये कुछ नहीं कुछ, तो आपको 500 के डॉलर के अराउंड आपको मंथली मिल जाएगी। समवेयर अराउंड आपका 7000 8000 डॉलर अराउंड, सो इट वुड बी समथिंग अराउंड लाइक दैट ओनली। तो सैलरी तो इसमें एक्चुअली ठीक है, एवरेज और मिनिमम बोले तो आपको 2-3 लाख तो एटलीस्ट नहीं भी कुछ तो एंट्री लेवल पे आपको मिलता है। और अगर आप पूछे हाईएस्ट सैलरी, तो हाईएस्ट सैलरी तो आपका लाइक मिलियन में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल। सीईओ भी बन सकते हैं आप, तो कुछ भी हो सकता है। और कहाँ पे अप्लाई करें, तो लिंक्डइन जैसे मैंने नाम लिया, naukri.com है, एक मॉन्स्टर है लिंक, ये ग्लास डोर है, shine.com है, और भी दो चार है जैसे इंडीड है, तो आप यहाँ सब पे देख सकते हैं, ग्लास डोर, शाइन, इंडीड। तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, क्योंकि अगर आपने अपने स्किल में ऐड कर लिया तो उनको ज़रूरत है, एंड इट इज़ वेरी हॉट स्किल एक्चुअली इन द मार्केट। गौरव, यहाँ कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपके इल्म में हो, नॉलेज में हो, कि एक बीआई है इंडिया का या वॉट एवर कहीं का, और उसने इतनी अर्निंग की हो या मंथली उसने इतना किया हो? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इस तरह का, मिनिमम या मैक्सिमम वॉट एवर? ठीक है, मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, बट आई विल नॉट गिव माई एग्जाम्पल हियर। तो आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, तो ही इज अ टोटली ब्लाइंड। उसने अपना विजन लॉस कर दिया था इन बिटवीन हिज बीटेक डिग्री। तो उसने बीटेक कंप्लीट नहीं की, और कंप्लीट ना करने के मतलब वजह से तो थोड़ा उसको ग्रेजुएशन में असर पड़ा। बट जब ही वो मेरे कांटेक्ट में आया एंड आई वाज लर्निंग दिस कोडिंग एंड ऑल, तो ही अगेन गॉट कनेक्टेड विथ बीटेक। मैंने उसको बोला कि यार कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन तो चाहिए ना जॉब के लिए। तो या जॉब तो चाहिए ना, ग्रेजुएशन चाहिए होगा, क्योंकि कॉरपोरेट तो ग्रेजुएशन मांगती मांगती है। तो उसने 2 साल के गैप के बावजूद भी उसने बीटेक अपना एनी हाउ कम्प्लीट किया। बट उसका जो बीटेक था वो आईटी में नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में था। तो विथ माय गाइडेंस वो अमेज़न में लगा, कोडिंग वगैरह मैंने सिखाया उसको, और उसने भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप से एक्सप्लोर की। और उसने स्टार्ट किया था 20,000 पर मंथ सैलरी इंडियन रुपीस, एंड उसने छोड़ा है 50,000 पर मंथ अभी लास्ट मंथ, और ही गॉट स्विच्ड इन टू अनदर कंपनी जहाँ पे उसका 16 लाख का पैकेज लगा है, HSBC, हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अर्लियर ही वॉज वर्किंग विद अमेजोन एंड करंटली इज वर्किंग विद HSBC। तो बहुत सारे लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप भी एक एग्जाम्पल बन सकते हो। या तो सलमान थैंक यू सर, सो ओवर मच, टू यू। थैंक यू सो मच गौरव। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। नई सुबह का मैंने सर्विस सेंटर का आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। गौरव कुमार ने एक आप लोगों को गूगल फॉर्म दे दिया है, गौरव कुमार ने, या जी वो जी जी दे मैंने रहे हैं? चैट ठीक बॉक्स में भेज दिया, मैंने, आप है, सभी लोग भर तो दें। ये जी, तो इसको भी फिलअप सर कीजिए मैंने आप। फिलअप भी कर दिया है। ओ थैंक थैंक यू। यू।
तो आप लोग बहरहाल इसको फिलअप कीजिए ताकि आप लोगों का फीडबैक होगा, उसी के बिहाफ पर जो है आगे प्लानिंग की जाएगी और रोड मैप बनाया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो गौरव कुमार जैसे और मजीद लोगों को हम इस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस तरह के इंटेलिजेंट जो हमारे VI हैं उनको लाइए और प्रमोट कीजिए उनको भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, बेनिफिट हो, ताकि आगे हम इस तरीके से फायदा उठा सकें। और नई सुबह का मकसद भी है कि एम्पावर करना, तो एम्पावर करने के लिए हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वर्कशॉप से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को मिला होगा। गौरव कुमार का पूरे टीम की तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ गौरव आप जब हमें ज़रूरत होगी आप हमारे लिए अपने वक्त निकालेंगे और बिल्कुल हमें सर, टाइम एंड देंगे। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। किसी को अगर कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। ओके, किसी को कुछ नहीं कहना। शब्बीर मौजूद है यहाँ पे? जी सर, वहाँ सर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और चैट बॉक्स के अंदर गौरव कुमार ने गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर कोई वहाँ पे फॉर्म फिल कर दे तो भी अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहा, कोई इशू आता है तो वहीं पे सर्विस सेंटर का नंबर भी मौजूद है, वहाँ पे हमें एक सिंपल वॉइस नोट भी व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, तो हम वो भी अपने जो है डेटा के अंदर उसको ऐड कर लेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब वहाँ से जाके जो है वो लिंक और जो हमारा नंबर है उसको कॉपी कर लें और फिर हमें बता दें ताकि फिर हम उसको मीटिंग को एंड करें। अगर अभी कोई नहीं कर पा रहा तो लिंक को कॉपी करके अपनी किसी भी मतलब चैट में आप पेस्ट कर जी लें, जी ठीक है, और मैं यही बाद कह में रहा आप हूँ कि लोग अभी उसको जाके फिर कॉपी कर फ्री होकर कर जाके लीजिए। कॉपी कर लें जी और देन उसके बाद फिर आप सबमिट कर दीजिए। अगर किसी को कुछ कहना है, कोई फीडबैक देना है अपना तो कह सकते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो खुदा हाफिज एवरीवन। ओके, आई थिंक किसी को कुछ नहीं कहना। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह बहुत हाफिज। फिर शुक्रिया आपको आपका। मुलाकात होगी एक नई किसी वर्कशॉप में। ओके, थैंक यू। जजाक अल्लाह हाफिज।